हिंद वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकुल ज्ञान तमेज। जैसे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, जैसे कि आप सभी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, जिसमें आपकी डेट, आपकी किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है और आपका सिटी यहाँ पर पता चल गया, और जो आपके जिस विद्यालय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 13 फरवरी का पूरा एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको 500 के क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उत्तर प्रदेश के जो जीके है आपकी सामान्य ज्ञान उससे रिलेटेड आपके 500 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हमने कराए हैं। तो आज का सेशन आपका जो होने वाला है वो 501 नंबर क्वेश्चन से होने वाला है। तो जैसे कि आप 500 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये हमने आपको एसडब्ल्यू में क्वेश्चन दिया था। तो आई होप सभी ने आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ पे राइट आया है। तो यहाँ पे जो 500 का राइट ऑप्शन आ गया, ये 1884 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान से, वो आपका 501 नंबर होने वाला है। इसमें पूछा है आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चलाई जाने वाली आपकी जो वन परियोजना है, ये आपकी कौन सी वन परियोजना है? तो ये आपकी आधुनिक अग्निशामक परियोजना है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 502 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों, ये कहता है उत्तर प्रदेश में आपके जो सुरक्षित वनों की संपदा है उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के वन निगम को दिया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 503 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ये कहता है उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें जो आपका पूरन भगत है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका जो पूरन भगत है ये लोक नृत्य संबंधित है, या आपका लोक गीत से संबंधित है, या इसमें नृत्य नाटिका से संबंधित है, या डी ऑप्शन इनमें से किसी भी से संबंधित है, ये आपका पूरन भगत नहीं है। ये आपका जो पूरन भगत है ये आपका जो संबंधित है लोक गीत से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 504 नंबर क्वेश्चन पे ये कहता है क्या विरह अलाह रसिया आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आपकी जो गीत की परंपरा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 505 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर आपका जिला है, उत्तर प्रदेश में जो आपका मिर्ज़ापुर जिला है आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य आपका किया जाता है? तो ये आपका नृत्य कर्मा नृत्य किया जाता है आदिवासियों द्वारा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 506 नंबर क्वेश्चन ये कहता है उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध आपका अच्छानन महाराज शंभू महाराज व लच्छू महाराज की जो कथक नृत्य शैली हैं ये आपकी किस नाम से इनकी कथक शैली प्रसिद्ध हैं? तो ये इनकी नखलऊ घराना के नाम की शैली से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 507 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियों कठरिया डिगोरा तथा राना हैं? तो यहाँ पे जो आपकी जनजाति बताना है वो आपकी थारू जनजाति द्वारा उपजाति कठरिया डिगोरा तथा राना इसका नाम है उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति का। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 508 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय आपके स्थापित किए गए हैं? तो ये आपके लखीमपुर में स्थापित महाविद्यालय किए गए हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 509 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी निवास करती है? आपके उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी निवास करती है? तो जैसे कि बुक्सा यहाँ पे दिया हुआ है थारू महागिरी, और एक ऑप्शन आपका नीचे अगले पेज में है यहाँ पे खरवार। तो यहाँ पे आपको जैसे कि बताना था क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था, यह पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में आपकी कौन सी ऐसी जनजाति है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी निवास करती है? ये आपकी जनजाति है कौन सी, खरवार जनजाति है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका खरवार जनजाति इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 510 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में निवास करती है? आपको बताना है जो खरवार नामक आपकी जनजाति होती है ये उत्तर प्रदेश के आपके किस ज़िले में निवास करती है? तो ये आपकी मिर्ज़ापुर ज़िले में निवास करती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 511 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी खरवार जनजाति है निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति आपकी नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? नरावत जनजाति आपकी उपजाति नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे,
512 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा है, जो आपकी थारू जनजाति है इसमें आपकी कैसी प्रथा है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो जो थारू जनजाति है इसमें संयुक्त प्रथा आपकी है, कौन सी प्रथा है, संयुक्त प्रथा, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 513 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि बिरादरी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी रणनीतिक संगठन है आपका, तो ये आपकी जनजाति बुक्सा जनजाति के द्वारा है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 514 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की जो खरवार जनजाति है इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आपका नहीं बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में आपकी जो खरवार जनजाति पाई जाती है इसके द्वारा कौन सा ऐसा त्यौहार है जो आपका नहीं बनाया जाता है इन चार ऑप्शनों में से, तो जो राइट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो ग्राम देवी पूजा आपका खरवार जनजाति द्वारा आपकी त्यौहार नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 515 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि राउत और मोझियाली किस जनजाति की उपजातियाँ हैं, जो आपकी राउत और मोझियाली ये जो जनजाति हैं ये दोनों किस जनजाति की उपजातियां आपकी हैं, तो ये खरवार जनजाति की उपजातियां हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 516 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली उत्तर प्रदेश की है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चित्रकला शैली है जो आपकी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी, ये आपकी बुंदेल शैली यहाँ की भी उत्तर प्रदेश की, कंदरा शैली भी है और आपकी अगली शैली ब्रज और मथुरा शैली भी आपकी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन पे जाएंगे उपयुक्त में से सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 517 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की आगरा शैली अन्य किस नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश की जो आपकी आगरा शैली होती है ये अन्य किस नाम से जानी जाती है आपकी, तो आपकी जैसे जहांगीर शैली के नाम से ये जानी जाती है या मुगल शैली के नाम से या बाबर शैली के नाम से या डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 518 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चित्रकार है जो आपका उत्तर प्रदेश से क्या है संबंधित है, तो यहाँ पे जो चित्रकार आपके दिए गए ऑप्शन में जगन्नाथ मुरलीधर अहिवादी या बी नंबर श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट या सी नंबर चमन सिंह चमन, तो यहाँ पे आपके जो तीनों ऑप्शन हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके राइट राइट हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के चित्रकार से संबंधित हैं, तो हम डी नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके सभी यहाँ पे चित्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 519 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मिश्रित चित्रकला शैली से संबंधित है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का आपके कौन सा ऐसा चित्रकार है जो मिश्रित चित्रकला शैली से आपका संबंधित है, तो यहाँ पे आपका सुमानवा या फिर रामचंद्र शुक्ल या रणवीर सिंह सक्सेना, तो यहाँ पे हम जाएंगे डी नंबर, सभी आपके इसमें ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 520 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा चित्रकार कैलेंडर व धार्मिक चित्रों के लिए आपके प्रसिद्ध है, आपको बताना है इन तीनों ऑप्शनों में से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा चित्रकलाकार है जो कैलेंडर और धार्मिक चित्रों से आपका प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, तो वो आपका है यहाँ पे सेवाराम, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 521 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी फिल्म व टीवी कलाकार उत्तर प्रदेश की नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो आपका है प्राण, क्या है प्राण, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 522 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कलाकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फिल्म कलाकार हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश से क्या हैं इसमें संबंधित हैं, तो यहाँ पे जाएंगे कवनलजीत या फिर जयंत या अरुण गोविल, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 523 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है निम्नलिखित में कौन से निर्माता निर्देशक उत्तर प्रदेश से आपकी संबंधित है इन चारों ऑप्शनों में से, तो ये आपकी जो निर्माता मंदिर से संबंधित है निर्देशकों में यशा चोपड़ा संबंधित है, कौन सी, यशा चोपड़ा, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 524 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है पाकिजा फिल्म उत्तर प्रदेश की किस प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक द्वारा आपकी बनाई गई है, ये आपकी कमला अमरोही द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 525 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म लेखक उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित हैं, तो ये आपकी कमला अमरोही, डॉक्टर रही मसूम या सी नंबर
पंडित मुखर्राज शर्मा, तो यहाँ पे सभी आपके संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 526 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है वाराणसी घराने की गायिका का जनक किस से माना जाता है। जो वाराणसी घराने की गायिका है ये किसे जनक किसे माना जाता है, तो ये आपकी पंडित बड़े रामदास श्री मिश्र जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 527 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताइए, तो ये आपके जो शहनाई वादक का ख्यात पदक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 528 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किसके आपसे संबंधित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो आपके पंडित रविशंकर हैं ये आपके किससे संबंधित हैं, ये आपके सारंगी वादन से या सितार वादन से या तबला वादन से या शहनाई वादन से, तो ये आपके जो संबंधित हैं सितार वादन से संबंधित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 529 नंबर क्वेश्चन, कि सन 1919 में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें हम गवर्नर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 530 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन किस वर्ष बाद आपका किया जाता है, तो ये आपका प्रति 12वें वर्ष बाद किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 531 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश में आपके जो प्रसिद्ध अर्ध कुंभ मेले हैं इसका आयोजन कितने वर्ष बाद आपका किया जाता है, तो ये आपके प्रति छठे वर्ष आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 532 नंबर क्वेश्चन, विधुर का टीला नामक स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये आपका जो स्थित है टीला हस्तिनापुर में स्थित है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हस्तिनापुर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 533 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आपका आता है, तो ये आपका मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 534 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपका ये स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 535 नंबर क्वेश्चन, संकिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है, तो ये आपका फरुखाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 536 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपका स्थित है, ये आपका आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 537 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि एतमादुल्ला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपका समीप स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आगरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 538 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो ये जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका 538 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 539 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि शेख अलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में आपकी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 540 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है बिठूर नामक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 541 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या के किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख आपका मिला है। आपको बताना है जो अयोध्या के किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण आपका शिलालेख मिला है, तो ये आपका मित्र सुंग को मिला है या शिलालेख। तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 542 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे क्या कहता है मेरे दोस्तों 542 नंबर क्वेश्चन, ए आर फोर्स पैरामेट्रिक ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके ये स्कूल स्थित है, तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 543 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि सेठ गंगा सागर जाटिया पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके बुलंदशहर में स्थित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 544 नंबर क्वेश्चन, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके स्थित है। आपको बताना है जो आपके एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके स्थित हैं, तो ये आपके नखलऊ में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका नखलऊ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 545 नंबर क्वेश्चन, राजकीय चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश के किस दो नगर में आपका स्थित है, तो ये आपके जो स्थित है कानपुर और आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 546 नंबर क्वेश्चन, ये कहता
है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके ये स्थित है? तो ये आपके नखलाऊ में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी नंबर ऑप्शन नखलाऊ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 547 नंबर क्वेश्चन, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके स्थित है? तो ये आपके स्थित है नखलाऊ में स्थित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 548 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में आपके ये स्थित है? तो ये आपके प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 549 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके स्थित है? तो ये आपके नखलाऊ में स्थित है। कहाँ पे? नखलाऊ में। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 550 नंबर क्वेश्चन, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर में स्थित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका गोरखपुर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 551 नंबर क्वेश्चन, खेल का सामान बनने के उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र कौन से नगर आपके हैं, जहाँ पे खेलों का सामान क्या होता है बनता है? तो आपके दो नगर बताना है इस 551 नंबर क्वेश्चन पे, ये आगरा और मेरठ में बनते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 552 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर खेल प्रशिक्षण स्टेडियम आपका नहीं है? तो ये आपका जौनपुर में नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 553 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी कुवीड़ा भूषण किस खेल से आपकी ये संबंधित है? तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 554 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से आपके ये संबंधित हैं? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 555 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मेजर एके सिंह ने किस खेल से विश्व रिकॉर्ड आपका बनाया है? तो ये आपके नोकैन से बनाया, किससे? नोकैन। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 556 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से आपके ये संबंधित हैं? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 557 नंबर क्वेश्चन, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कैप्टन एएस शेखर किस खेल से आपसे ये संबंधित हैं? तो ये आपके नो कैन से संबंधित है, किससे? नो कैन से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मिलकर 558 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक आपके जीते हैं? तो ये आपके जीतू राय ने जीते हैं, किसने? जीतू राय। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता उत्तर प्रदेश का रहने वाला आपका नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? तो यहाँ पे जो राजनेता आपका उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है वो आपके महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 560 नंबर, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यक्ति राजनीतिक से संबंधित आपका नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? ये जोश मलिहा बादी, कौन है? जोश मलिहा बादी आपके हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 560 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर 561 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस देश के आपके ये थे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्कृत विद्वान ने 1970 में विश्व संस्कृत सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपके बद्रीनाथ शुक्ला हैं। कौन है? बद्रीनाथ शुक्ला हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 563 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि देश के उत्तर प्रदेश के निवासी उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो अपने कार्यकाल में कभी सांसद नहीं रह सके हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वो चौधरी चरण सिंह आपके नहीं रह चुके हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 564 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित देश के प्रथम केंद्रीय कारागार का प्रथम महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपके जो नियुक्त हुए थे विलियम एच हडांक, किसमें? विलियम एच हडांक को नियुक्त किया गया था। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 565 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे क्या कहता है, ये कहता है नखलाऊ में स्थित वर्तमान भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नींव आपकी ये कब पड़ी थी? तो ये आपकी 15 जुलाई 1926 में इसकी नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 566 नंबर क्वेश्चन, नखलाऊ में स्थित वर्तमान भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के पहले आपके क्या नाम थे? तो यहाँ पे मेरियम कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नाम था इसका पहला नाम। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 567 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभ आरंभ आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1944 में हुआ था, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 568 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह आपकी जगह कौन सी है, तो वो जगह आपकी बस्ती है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बस्ती राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, वह स्पूत स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वो आपका जो स्पूत स्थल है वो आपका है कौन सा, यहाँ पे सांची का स्पूत, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों 570 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना जस्ट वेट, कि भारत के उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो आपको बताना है क्या सबसे ज़्यादा आपका भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ्यादा उत्पादन होता है, तो ये आपका खाद्यान्न आपका उत्पादन होता है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 571 नंबर क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आपका कौन सा है, तो वो हथकरघा उद्योग है, कौन सा हथकरघा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा।